زهرا شہادت کی وجوہات آپ کو یہیں سے ملے گی.
तमाम चीजें अगर आप गर्क करना चाहते हो, आप करबला को अलग ना करें। करबला दर हकीकत इन्हीं अयाम से ताल्लुक रखती है। दो चीजें हैं, गदीर और करबला। गदीर और करबला, गदीर में ऐलान विलायत हुआ, इन पचनों दिनों में विलायत का दिफा किया गया, ये अइमा अथहार की तरफ से। उसी तरह से गदीर में ऐलान विलायत हुआ, ऐलान विलायत के साथ साथ वो मसायब व आलाम की दावमेल भी गदीर में रख दी गई है। ये जो पचनों दिनों में मसायब व आलाम हुआ, उसके बाद रिहलत रसूल हुई, वहां पर करबला की बुनियाद रख दी गई। तो करबला को अगर समझना हो तो आपको यहां से समझना पड़ेगा। अब जब ये तय हो गया कि सब कुछ जितने भी काम हुए हैं जब यही हुए हैं, तो हमें तमाम चीजों को यहीं से आकर्ष करना है, बसीरत फातिमी हासिल करना है। फायदा क्या है? अगर आपके पास बसीरत फातिमी हो तो आपके पास फायदा क्या है? कर फायदा ही फायदा, बसीरत फातिमी ना होने का नुकसान ही नुकसान। एक छोटा सा फायदा बसीरत फातिमी का कि वो अपराध जो बसीरत फातिमी के हामिल हैं, उनका एक छोटा सा फायदा और उनका छोटा सा मकाम, उनका छोटा सा मकाम करते क्या, इससे कभी जिक्र कर चुका हूं। इसका फायदा क्या है? कहे जब इंसान बसीरत फातिमी का हामिल हो जाता है, जब इंसान बसीरत फातिमी का हामिल हो जाता है, तो फिर इंसान इंसान नहीं रहता, फिर इंसान इंसान नहीं रहता। फिर क्या हो जाता है इंसान? क्या परवरदिगार आलम ने तीन तरह की मखलूकात को खल्क किया, बल्कि चार तरह की मखलूकात को, जमादात, उनसे हमें बहस नहीं है, हैवानात, इंसान और मलाइका। मलाइका को परवरदिगार आलम ने अक्ल दिया लेकिन ख्वाहिशात नहीं दी। हैवानात को परवरदिगार आलम ने ख्वाहिशात दी, अक्ल नहीं दी, और इंसान को अक्ल भी दी और ख्वाहिशात भी दी। दोनों चीजें, मलाइका के पास अक्ल है ख्वाहिशात नहीं, हैवानात के पास में ख्वाहिशात है अक्ल नहीं, इंसान के पास में अक्ल भी है और ख्वाहिशात भी है। लेकिन यही इंसान और परवरदिगार आलम ने इंसान को इख्तियार दे दिया कि या तो बसीरत फातिमी को छोड़कर तुम हैवानात के सब में आ जाना, या बसीरत फातिमी हासिल करके मलाइका से आगे बढ़ जाना। दोनों चीजें, या तो बसीरत फातिमी हासिल करो मलाइका से आगे बढ़ जाओ, या बसीरत फातिमी को छोड़ दो हैवानात से पस्त कर दो। ये बसीरत फातिमी जहां से मिलती है, बसीरत फातिमी जहां से मिलती है, आपको कहां से बसीरत फातिमी मिलेगी, कहां से हासिल करें बसीरत फातिमी? देखो, बसीरत फातिमी हासिल करने की सबसे बड़ी जगह, सबसे बड़ी दरसगाह, सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी, सबसे बड़ा मरकज मजलिस हुसैन। सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है, तमाम यूनिवर्सिटियों में दो चीजें होती है, एक तो पढ़ाई और दूसरे पढ़ाई के बाद उसका समरा, पढ़ाई और पढ़ाई के बाद उसका समरा। कोई शख्स पढ़ाई कर ले समरा ना मिले तो फिर दोनों चीजें बेकार हो जाती हैं। अगर समरा ही नहीं मिल रहा, उसको कोई नतीजा ही नहीं मिल रहा, पढ़ाई के बाद नौकरी नहीं मिल रही, पढ़ाई के बाद कुछ उसका हासिल ही नहीं हो रहा, तो फिर उसका नतीजा तो गया ही गया, साथ साथ तो क्या कहते हैं कि फिर तुम्हारी पढ़ाई भी बेकार हो गई। यूनिवर्सिटियों का यही है कि पढ़ाई उसी वक्त बार आवर और बासमर होती है जब उसका रिजल्ट मिल जाए, लेकिन इस यूनिवर्सिटी के अंदर आने के बाद में जरा सी बातें बदल जाया करती हैं, बातें जरा सी चेंज हो जाया करती है। मैंने कहा था ना, बसीरत फातिमी इंसान के नजरियात को तब्दील
कर दिया करती है। यह यूनिवर्सिटी ऐसी है कि जब इंसान पढ़ाई हासिल करता है, यानी जब मरहले जिक्र में होता है तो बेकार नहीं जाती, मरहले जिक्र में सवाब मिलता रहता है। मजलिस में आए, आपको क्या मिलेगा? बेकार नहीं जाएगा आपका बैठना, आपका बैठना सवाब, आपका उठना सवाब, आपका सुनना सवाब, आपकी हर चीज सवाब है। तो ये मजलिस हुसैन और बसीरत फातिमी ऐसी चीज है कि मरहले जिक्र में इंसान को बासवाब बना देती है। और जब यही इंसान इस यूनिवर्सिटी से सबक हासिल कर लेता है तो फिर मुसलमान को सलमान बना देती है। यहां से बसीरत मिले, अगर आपको बसीरत फातिमी हो ना तो आप आइए मजा मिल सकते, आप आइए ये यूनिवर्सिटियां, यहां से बसीरत फातिमी का दर्श दिया जाता है, यहां से बसीरत फातिमी को आम किया जाता है। क्या क्या फवायद हैं इस यूनिवर्सिटी के, क्या क्या फवायद हैं इन मजालिस के? एक छोटा सा फायदा मैंने आपको बताया, मरहला जिक्र में साहिबे सवाब बना दे, और जब इंसान मरहले अमल में आ जाए तो इंसान को सलमान बना दे। यह छोटा सा फायदा, और क्या फायदा है? दूसरा फायदा देते दोस्तों, और क्या फायदा है? क्या दूसरा फायदा यह कि आजकल उमूमन जब तो मैं कह रहा हूं, बारहा कह रहा हूं कि ये मजालिस अगर बसीरत फातिमी बयान हो रही है इसमें, तो आप इसकी फजीलतों को, इसकी अहमियत को कम करने की कोशिश ना करें। कभी कभी उमूमन आजकल एक ट्रेंड हो चला है, हमारे यहां क्या ट्रेंड है, कहते हैं कि एक चीज ये है, एक चीज ये है कि और भी तो वाली बात है, फसल नमाज है, रोजा है, हज है, जकात है, उम्र है, और भी वाली बात है। हजरतारी क्या कह मुस्ता सुनना, अब आपने वाजिब और सुन्नत को जब टकराया तो लामोहला पढ़ना तो वाजिब तो भारी होगा, सुन्नत तो सुन्नत होती है, करो तो फायदा, ना करो तो कोई नुकसान नहीं। वाजिब क्या है? करना नहीं है, ना करोगे तो नुकसान होगा, हर हाल में नुकसान होगा, लेकिन मजलिस ना करें तो कोई नुकसान नहीं, कोई नुकसान नहीं, मजलिस ना करें तो कोई नुकसान नहीं। ये एक फिक्र जो हमारे माशरे में रायज हो गई कि ये मुस्ताहब है, अज़ादारी मुस्ताहब है, अज़ादारी मुस्ताहब है, नमाज वाजिब है, वाजिब को मुस्ताहब से टकरा। मेरा आपसे एक सवाल है, ठीक है मैं भी मानता हूं नमाज वाजिब है, बेशक वाजिब नमाज जरूरी है, अतीमुस सलात इन सलात तनहा अनिल फहशा वल मुनकर अस्सलातु उमुदुद्दीन कुबिलत कुबिला मा सिवा व इन रुद्दत रुद्द मा सिवा, सब कुछ अपनी जगह, मगर जरूरत क्या टकराने की? नमाज भी पढ़ो, मजलिस भी करो, दोनों एक साथ करो तो क्या मसला क्या है? नहीं, मसला यह है कि जिन्हें नमाज पढ़नी है उन्हें आज़ादारी नहीं करनी, जिन्हें आज़ादारी करनी है उन्हें नमाज नहीं पढ़नी, इसलिए आपने टकराया। कहे आपने ये जो वाजिबात सीखे हैं, आपने ये जो वाजिबात सीखे हैं ये कहां से सीखे? आज आप ये कह रहे नमाज वाजिब, हज वाजिब, रोजा वाजिब, ज़कात वाजिब, ये कहां से सीखे? आज़ादारी एक ऐसा मुस्तहब अमल है, अब सुनिए रसूलल्लाह, आज़ादारी एक ऐसा मुस्तहब अमल है कि जिसकी गोद में हजारों वाजिबात पड़ते हैं। नमाज इबादत बेशक, रोजा इबादत बेशक, हज इबादत
बेशक मजलिस ये इबादत है, नमाज इबादत है, रोजा इबादत है, हज इबादत है, ज़कात इबादत है, मजलिस क्या है? क्या मजलिस इबादत साज है? ये इबादत है तो मजलिस इबादत साज है। मजलिस में आके इंसान नमाजी बनता है, मजलिस में आके इंसान रोजादार बनता है, मजलिस में आके इंसान हाजी बनता है। सलावत पढ़े मोहम्मद हुआ देखिए आज आप लोहे को ले लें, बसीरत फातिमी इंसान के नफ्स को तश्कील देती है, इंसान के नफ्स को तश्कील देती है। यानी क्या? यानी इंसान को मरहले इंसानियत से मरहले मलाइक और मरहले मलाइक के बाद उससे भी आगे की मंजिलों तक पहुंचाती है, मरहले मलाइक के आगे की मंजिलों। आज आप ये देखें लोहा, एक छोटी सी मिसाल देता हूं, लोहा आप कह रहे ना कि लोहे को ले लें और अब इस्तेमाल करने के ऊपर में है आपके, या तो 3,000 करोड़ रुपया खर्च करके एक मूर्ति बना ले लोहे, ये भी एक इस्तेमाल, एक बड़ी सी मूर्ति बना दी 3,000 करोड़ रुपया खर्च कर दी, ये भी एक इस्तेमाल है लोहे का। दूसरा इस्तेमाल यह है कि उसे ढाल कर उससे एक हवाई जहाज बना लिया जाए, यह भी एक इस्तेमाल है लोहे का। अकलमंदों ने जब इस्तेमाल किया, दानिशवरों ने जब इस्तेमाल किया, साइंसदानों ने जब इस्तेमाल किया तो लोहे से हवाई जहाज बना, अहमकों ने लोहे का इस्तेमाल किया तो लोहे से मूर्ति बनी। लोहा कभी मूर्ति की शक्ल में, कभी हवाई जहाज की शक्ल में, गलती किसकी है? लोहे की नहीं, उसे तो आप जैसा ढालेंगे वैसा ढल जाएगा। नमाज इंसान को मुत्तकी नहीं बनाती, और करना एक अजीब बात कह रहे हैं, नमाज ही तो इंसान को मुत्तकी बनाती, नहीं नमाज इंसान को मुत्तकी नहीं बनाती, नमाज इंसान को मुत्तकी नहीं बनाती, रोजा इंसान को मुत्तकी नहीं बनाता, कुरान इंसान को मुत्तकी नहीं बनाता। अरे इतना मिल जाने कल किताब ला रहे की किताब ये वो किताब है ला रहा है, इसमें कोई शक नहीं है, हिदायत देती है, कुरान कह रहा है हिदायत देती है, किसे? मुत्तकीन को हिदायत देती है, किसे? मुत्तकीन को। यानी पहले तकवा इख्तियार करो फिर कुरान की तरफ आओ, पहले मुत्तकी बनो फिर कुरान की तरफ आओ। अगर हिदायत कुरान देता तो पहले ये कुरान ये कहता कि भाई ठीक है पहले कुरान से हिदायत लो, ये दौर लाजिम आएगा ना, यानी हिदायत कुरान पे मौकूफ और कुरान उसे हिदायत देगा तो मुत्तकी होगा। तो बाकी समझ में नहीं आ रही, तो कुरान ने कहा तकवा अहले बैत के दर से हासिल करो, हिदायत हम देंगे। उसके बाद में कुरान की तरफ आओ, गए हम हिदायत देंगे, लेकिन तुम्हें मुस्तकी बन के आना पड़ेगा। तो लोहे की कोई उसमें गलती नहीं, नमाज जो है इंसान को मुस्तकी नहीं बनाती, रोजा इंसान को मुस्तकी नहीं बनाता, हज इंसान को मुस्तकी नहीं बनाता। क्यों? कहे हज नमाज रोजा ज़कात ये सब क्या है? ये सब जो है इंसान के लिए मादे की शक्ल में, मादा है, मटेरियल है, मटेरियल है, जैसे लोहा मटेरियल है, आपने यूज किया मूर्ति बना दी, आपने यूज किया हवाई जहाज बना दिया, मटेरियल है नमाज, मटेरियल, मटेरियल बहुत जरूरी होता है, बगैर मटेरियल के ना मूर्ति बनेगी ना हवाई जहाज बनेगा, इसलिए बगैर नमाज के कहीं नहीं पहुंच सकते आप, मटेरियल आपके पास होना बहुत जरूरी है, दोनों चीजें साथ साथ लेके चलते, मटेरियल आपके पास होना चाहिए, मटेरियल आपके पास।
बात समझ में, कि लोहे की मूर्ति भी बनी लोहे का हवाई जहाज भी बना। अब मैं अपनी बात पेश करता हूं, अब मैं अपनी बात पेश करता, नमाज लेकर बहुत आराम से पढ़ूंगा, बहुत गौर से सुनिए, नमाज लेकर, रोजा लेकर, हज लेकर, नमाजी बनकर, है ना, नमाजी बनकर, रोजादार बनकर, हज के अदा करने वाले बनकर, जकात की अदायगी करने वाले बनकर, कोई जो है आते हैं और आईएस बन जाते हैं, है ना, कोई आता है और आईएस वाला बन जाता है, और वही नमाज पढ़ने वाले, वही रोजा रखने वाले, वही हज करने वाले आते हैं, हिज़्बुल्लाह ही बन जाते हैं, वही नमाजी आईएस वाला, वही नमाजी हिज़्बुल्लाह ही। कहे फर्क क्या है, नमाज ने बनाया आईएस वाला, नमाज ने बनाया हिज़्बुल्लाह ही। कहे नमाज ने नहीं बनाया, जिनके पास बसीरत फातिमी थी वो हिज़्बुल्लाह ही बन गए, और जिनके पास बसीरत फातिमी न थी। बसीरत फातिमी के साथ नमाज को यूज करो, बसीरत फातिमी के साथ नमाजी बनोगे ना, हबीब बनो, बसीरत फातिमी के साथ नमाजी बनोगे ना तो सलमान बनोगे, बसीरत फातिमी के साथ नमाजी बनोगे ना तो मिकदाद बनोगे, अबू ज़र बनोगे, मीसम बनोगे, मालिक बनोगे। और बसीरत फातिमी को छोड़कर सिर्फ नमाज को इख्तियार कर लिया तो तारीख तुम्हें खवारिज के नाम से याद करेगी। सलवात पढ़े मोहम्मद यह है बसीरत फातिमी, तो जिसके होने से और जिसके ना होने से कितना फर्क पड़ता है। आप दीन की तरफ आ रहे हैं बेगुन बसीरत फातिमी, तो आपको दीन के नाम पर जाना, दीन के नाम पर आते हैं। और अगर आप दीन की तरफ आ रहे हैं बसीरत फातिमी के साथ, हामिले बसीरत फातिमी, तो फिर आप देखिए कि ये चीजें आपको कहां तक पहुंचा। ये मजलिस हुसैन बसीरत फातिमी के बयान करने की जगह है, यहां से इंसान बसीरत फातिमी का हामिल बनता है। बहुत फजाइल और बहुत मनाकिब है, इसे आप मुस्तहब की सब में लाकर इसके मर्तबे को कम करने की कोशिश ना करें, इसके मर्तबे को कम करने की कोशिश ना करें। अय्याम अज़ाए फातिमिया ये वो अय्याम है कि जिन अय्याम में हमें पता चलता है कि बसीरत फातिमी होती क्या है। एक चीज आखिरी और उसके बाद रब्त कहते हैं कि जब रसूल अकरम की वफात हुई सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो एक चीज रसूल ने वफात से पहले कही, यह आखिरी बात कहते इन लेखा से हुसैन हरारत उनके गुरू बिल मोमिनीन ला तबरो तो अबदा, बहुत मशहूर मालूम है, बेशक कत्ले हुसैन से मोमिनीन के दिलों में ऐसी हरारत है जो कभी भी सर्द नहीं होती। ये क्या है, पेशन गोई कहते हैं, गैब की खबर, गैब की खबर पेशन गोई करना, पेशन गोई करना, पेशन गोई करना। पेशन गोई की खासियत क्या होती है, पेशन गोई की खासियत ये होती है कि वो हालात के मुखालिफ होते, हालात के मुखालिफ हो, अगर हालात के मुआफिक है तो उसे पेशन गोई नहीं कहेंगे, हालात के मुखालिफ होना चाहिए। मसलन मैं पेशन गोई करता हूं कि कल सूरज सुबह सूरज निकलेगा, तो पेशन गोई नहीं, वो तो तबीयत है ना, वो तो निकल रही है, मैं पेशन गोई करूं या ना करूं सूरज तो निकलेगा। पेशन गोई इसे कहेंगे, मैं ये कह दूं कि कल सूरज नहीं निकलेगा। अब आप मुतवज्जे होंगे, अच्छा
सूरज नहीं निकलेगा। ये पेशन गोई, तो पेशन गोई उसे कहता है जो हालात के मुखालिफ होती है। रसूल ने बहुत सी पेशन गोईया की जो जमाने के, जैसे रूम की फतह, जबकि रूम मगलूब हो रहा था, उसको मगलूब हो रहा था, रसूल ने कहा नहीं, जिसे तुम मगलूब समझ रहे हो वो मगलूब नहीं, वो फाते होगा, हालात के मुखालिफ। रसूल ने और भी बहुत सी पेशन गोई की, एक ये भी पेशन गोई है। क्या पेशन गोई है? ये मेरे बाद कुछ मोमिनी होंगे, बहुत तवज्जो करिएगा, मेरे बाद कुछ मोमिनी होंगे, उन मोमिनी के सीनों में दिल होगा, उस दिल में गर्मी होगी। तो ये तो हालात के मुआफिक वाली बात है। ये तो रसूल ने इतनी बड़ी तबलीग की, इतने सारे लोगों को साहिब इस्लाम बना दिया, तो मोमिनीन का होना भी जरूरी है, मोमिनीन के कुलूब में गर्मी का होना भी जरूरी है। तो ये तो हालात के मुआफिक है, तो पेशन गोई कहां हुई? कहे नहीं, जमाना ऐसा होगा कि इस्लाम तो होगा, नामे इस्लाम तो होगा, मुसलमान नहीं होगा, नामे ईमान तो होगा, मोमिन नहीं होगा, सब कुछ होगा, ये नहीं होगा। तो उस वक्त क्या होगा? उस वक्त कतले हुसैन होगा। एक पेशन कोई के कतले हुसैन की खबर, दूसरी पेशन कोई क्या की, दूसरी पेशन कोई ये की कतले हुसैन की वजह से मोमिन के कुलूब में गर्मी रहेगी जो कभी भी सर्द नहीं। क्या फायदा होगा मजलिस हुसैन का? रसूल ये बताना चाह रहे हैं, बहुत गौर से सुनिएगा, रसूल ये बताना चाह रहे हैं कि आने वाला जमाना ऐसा होगा कि जब ईमान का नाम तो पाया जाएगा मगर ईमान नहीं होगा। हाँ, सिर्फ एक कौम होगी जिसके पास मजलिस हुसैन होगी, उनके पास दिल होगा और दिलों में गर्मी होगी। पेशन गोई, ये पेशन रसूल की वफात होती दस में मसीह की तरफ आती, रसूल की वफात होती। कौन रसूल? वो रसूल जिसने तमाम लोगों तक इस्लाम को पहुंचाया और वफात के बाद जनाजा रखा, इंतजार कोई नहीं, कोई नहीं। ये सदमा सैयदा के ऊपर बहुत गिरा। उसके बाद छोटा सा टुकड़ा जमीन का, ये वो है जो मालिक कायनात है। जमीन के एक छोटे से टुकड़े की कोई हैसियत नहीं, ये बाबे जिना के मालिक, ये सैयदा निसाए आलमीन, इनके नजदीक जमीन के छोटे से टुकड़े की कोई हैसियत नहीं। मगर बाप का तोहफा था, बाप का तोहफा पहुंचती है लेने के लिए, तो उस टुकड़े को मुझे दे दिया गवाही में, हसन हुसैन, कौन सी गवाही है? हसन हुसैन सैयद शबाब अहले जन्नत, या अय्युहल लज़ीना आमनू कूनू मअस्सादिक़ीन, ईमान लाने वाले तुम लोग सादिक़ीन के साथ रहो, ये सादिक़ीन, ये लोग गवाही देने के लिए, गवाही कबूल नहीं की जाती। दस्तावेज लेकर गई जनाबे फातिमा ज़हरा, जुमला दस्तावेज को फाड़ कर सैयदा के मुंह पर फेंक दिया। फिर जुमला बहुत अजीब और गरीब है, खुतबे फिदत में आपको मिलेगा, खुतबे फिदत पढ़िएगा इंशाल्लाह, अगर कल मौका हुआ तो मैं तिलावत करूंगा खुतबे फिदत की। खुतबे फिदत का एक जुमला सैयदा कायनात ने बहुत हसरत से कहा था, वो जुमला खुदा की कसम में झूठ नहीं बोल, अजीता ने कहा लोगों को यही जुमला कयामत तक रुलाने के लिए काफी है कि सैयदा कायनात सैयदा निसाए आलमीन और खड़ी होकर ये कहे, लोगों को यकीन दिलाए
लोगों को भरोसा दिलाने की नौबत आ जाए, आया क्या जमाना में कैसी करवट बदली है कि आज सैयदा को दरबार में खड़े होकर ये कहना पड़ा कि खुदा की कसम मैं झूठ नहीं बोलती। अशरफो अल्लाह आज इतना निगरानी इसी पर बस नहीं हुआ। एक मरतबा लोग आते हैं, दरवाजे के बाहर जमा हो गए, लकड़ियां रख दी गई, बस दो जुमले मसाद के लकड़ियां रख दी गई, आवाज लगाई जाती है सैयदा दरवाजा खोल दो वगरना हम दरवाजा जला देंगे। सैयदा कहती है उस दरवाजे को जलाओगे जिसमें हसन हुसैन नहीं मानी गई बात नहीं मानी गई। एक मरतबा दरवाजे की पर जो लकड़ियां जमा थी उनमें आग लगा दी गई, दरवाजा जलने लगा, दरवाजे को जलता देखकर सैयदा दरवाजे के पीछे आकर खड़ी हो गई, जलते हुए दरवाजे को अपने हाथों से पकड़कर सैयदा खड़ी है। हाँ मजलूम है कर्बला, ज्यादा वजाहत करने की जरूरत नहीं है, दरवाजा जल रहा है, जलते हुए दरवाजे पर सैयदा का हाथ है। एक मरतबा जब पूरा दरवाजा जल गया तो क्या सैयदा के हाथ नहीं जले होंगे? जब दरवाजा जल गया एक मरतबा एक लही ने दरवाजे पर ऐसी लात मारी दरवाजा सैयदा के पहलू पर गिरा। हमारा दारा ने मजलूम करबला सिर्फ बात यहीं तक नहीं खत्म हो गई, हाँ सैयदा दीवार और दर के बीच में फिस गई, दरवाजे में एक कड़ी थी सैयदा के पहलू में दर आई। एक मरतबा सैयदा आवाज देती फिजा मेरी खबर लो। आपको कोई दौरा दे? हाँ, अब एक मरतबा रिवायत में यह मिलता है कि जहरा जमीन पर, जहरा के ऊपर दरवाजा गिरा हुआ है और अशकिया दरवाजे के ऊपर से होकर गुजर जाते हैं। अशकिया दरवाजे के ऊपर से होकर गुजर जाते हैं। अरे वो कड़ी जो थोड़ी सी धसी थी लोगों के गुजरने के साथ साथ और जहरा के पहलू में धसती चली गई। हाँ अब जहरा बेहोश है, सिर्फ एक आखिरी वाक्य, जहरा बेहोश है, जहरा बेहोश है। एक मरतबा फिजा आती है जहरा को होश में लाने की कोशिश करती है, जहरा होश में नहीं आती। एक मरतबा लहीन अंदर आ जाते हैं, सबसे पहले इमाम हुसैन आगे बढ़ते हैं, अपने बाबा के दामन से लिपट जाते हैं और कहते हैं कि मैं अपने बाबा को ले जाने नहीं दूंगा। एक मरतबा एक लहीन आगे बढ़ता है, वो जोर का तमाचा हुसैन के गालों पर पड़ा, पढ़ा की कसम इधर हुसैन के गालों पर तमाचे का लगना था। अरे जहरा तड़प के बेदार हो जाती है, उनके घड़ी हो जाती है और कहती है मैंने नन्हे से बच्चे के गाल पर, अरे इतनी जोर का तमाचा तो नमार, मैं कहूंगा जहरा अरे सिर्फ एक तमाचा हुसैन के गाल पर, अरे जहरा करबला अरे सकीना के गाल, अरे करबला से कूफा कूफे से शाम। जहरा